हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल ग्रीन लाइफ देखिए फ्रेंड रात को बहुत बारिश हुई थी चारों तरफ पानी ही पानी है ऐसे ही कड़ाके की ठंड थी फ्रेंड बारिश होकर और ठंड बढ़ा दिया पौधे का ग्रोथ भी अभी फ्रेंड ठंड के कारण रुका हुआ है और बारिश के कारण और भी सिहरन पैदा हो गया है मेरा टॉपिक है फ्रेंड कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम गुलदाउदी के प्लांट को कैसे सेव करेंगे और उसका मदर प्लांट बना के फिर नेक्स्ट ईयर में हम एक से अनेक कैसे प्लांट हम तैयार कर सकते हैं फ्रेंड देखिए कल बारिश हुई थी इसके पहले भी बारिश हुई थी बारिश से इसके फूल फ्रेंड ख़राब हो जाते हैं विंटर के जितने भी फ्लावर होते हैं फ्रेंड बारिश के पानी से ख़राब हो जाते हैं ये कॉर्नर में रखा हुआ था इसीलिए इसका फ्लावर अभी ठीक है फ्रेंड लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ये स्पेंड हो रहा है देखिए फ्रेंड ये कितने से छोटे से प्लास्टिक के पोट है चॉकलेट का डब्बा है इसमें इसका ग्रोथ कितना अच्छा है मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड बारिश के वजह से देखिए फूल कैसे मुरझा से गए हैं अब मैं सबकी कटिंग कर दूँगी जैसा कि मैंने बताया कि मेरा आज का टॉपिक ये है कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्लांट कैसे सेव करेंगे यह परमानेंट प्लांट होता है और बहुत ही हार्डी होता है कटिंग से लगाना इसे बहुत ही आसान होता है देखिए फ्रेंड सारा ही फ्लावर मेरे स्पेंड हो गए हैं भींग गए हैं मैं सबको इसको हटा दूंगी और हटा के दो तीन इंच छोड़ के फिर सबकी मैं प्रूनिंग कर दूँगी देखिए फ्रेंड मैं प्रूनिंग कर दी हूँ तीन चार इंच छोड़ के मैं पूरे ही प्लांट के फ्लावर पत्तियाँ सबको हटा दी हूँ मेरे पास फ्रेंड पाँच छः कलर का गुलदाउदी का फ्लावर प्लांट है मैंने बहुत सारे कटिंग भी लगाई थी लेकिन मेरे बाहर जाने के कारण सारे कटिंग ख़राब हो गए थे इसीलिए मैं ज़्यादा कटिंग लगा भी नहीं पाई और से भी नहीं कर पाई लेकिन फिर भी मेरे पास चार पाँच फ्लावरिंग प्लांट है और मैं नेक्स्ट ईयर में इसकी ढेरों सारी कटिंग तैयार कर लूँगी देखिए फ्रेंड जब मैं प्रूनिंग कर दी थी तो नीचे से इसका ग्रोथ बहुत सारा स्टार्ट हो रहा है अब प्रूनिंग करने के बाद फ्रेंड मैं इसकी चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दूँगी साइड से गुड़ाई करने के बाद इसमें एक मुट्ठी चापत्ती चारों तरफ से डाल दूंगे उसके बाद ऊपर नीचे इसे मिला लेंगे ये फ्रेंड नेक्स्ट ईयर के लिए मदर प्लांट मेरा तैयार है यह प्लांट बहुत हार्डी होता है और ये परमानेंट प्लांट है आप अगर एक बार इसके प्लांट लेते आइएगा तो ये आपने के गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा फ्रेंड एक दो कलर में और भी नर्सरी से लाऊंगी क्योंकि अभी खिला हुआ फ्लावर मिलता है तो हमें कलर का पता चल जाता है ऐसे मैं छोटे प्लांट लाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है नर्सरी वाले क्या क्या कलर बोल के दे देते हैं जब मैं घर लाती हूँ और फ्लावरिंग होता है तो पता चलता है कि वो मेरा पहले से कलर है ऐसे अभी नर्सरी से लाने से वो ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं फ्रेंड फिर भी कलर के लिए एक दो कलर जो मेरे पास नहीं हुआ है वो नर्सरी से मैं जरूर लाऊंगी। फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक्स फॉर वाचिंग। हैप्पी गार्डनिंग बाय बाय